ओके जी, आज हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट गैस लॉज। अब व्हाट आर द गैस लॉज? जब हम गैस लॉज की बात करते हैं, इसके अंदर वो वाले लॉज आते हैं जो कि जनरली तमाम गैसेस, ऑल गैसेस जो होती हैं वो ऑब्जर्व करें उनको या फॉलो करें, तमाम वो लॉज जो कि जनरली हर किस्म की जो गैस स्टेट के अंदर कोई भी गैस होगी एग्जिस्ट करेगी गैस की शक्ल में, वो सारी जो होती हैं उन लॉज को फॉलो करेंगी, वो क्या होंगे? गैस लॉज होंगे। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जनरली जो चीज़ें गैस के ऊपर असरअंदाज होती हैं वो होता है नंबर वन प्रेशर एंड नंबर टू टेम्परेचर। दीज टू पैरामीटर्स अफेक्ट द गैसेस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करते हैं किसी भी गैस को वो ये दो पैरामीटर्स हैं। इनके चेंज करने से गैस का वॉल्यूम चेंज होता है नंबर वन, और उसकी वॉल्यूम चेंज होने से उसकी अदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इस गैस लॉज के अंदर हम जनरल लॉज पढ़ेंगे जो कि तमाम गैसेस ऑब्जर्व करती हैं, और मेनली उनमें प्रेशर टेम्परेचर को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक है किसी भी गैस को समझने के लिए कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब दो तरह की गैसेस होती हैं, नंबर वन इज आइडियल गैस एंड नंबर टू इज रियल गैस। या कोई भी गैस आइडियल होती है या रियल होती है। रियल गैस का क्या मतलब है और आइडियल गैस का क्या मतलब है? जितने भी हम लॉज अभी स्टडी करने जा रहे हैं, दोज लॉज आर फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो होती हैं, आइडियल गैसेस ओबे गैस लॉज। जितने भी हम गैस लॉ स्टडी करेंगे वो सारे आइडियल गैसेस के लिए हैं, आइडियल कंडीशंस के लिए हैं। लेकिन जो उनकी रियल गैसेस हम अगर एक्सपेरिमेंटली यूज़ करें तो वो गैस लॉज को फॉलो तो करेंगी लेकिन एग्जैक्ट वही का वही रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। रियल गैसेस जो उनकी हैं ये क्या करती हैं, ये दे शो जो गैस लॉज से थोड़ी सी डेविएशन शो करती हैं। व्हाट इज़ डेविएशन? कि गैस लॉज को पूरी तरह फॉलो नहीं करती, उनसे थोड़ा सा हटके। फॉर एग्जांपल अगर एक लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है इस तरह का, तो जो रियल गैस होगी वो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसका किसी वजह से या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, वो डेविएट करेगा ओरिजिनल लॉ से। तो दो तरह की गैसेस होती हैं, आइडियल और रियल। तो हमारे जितने भी लॉज अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वो किसके लिए होंगे? दे विल बी फॉर आइडियल गैसेस। हम कंसिडर करेंगे कि जिस गैस को हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, आइडियल गैस। तो ये तो जनरल बता दिया कि गैस में, गैस लॉज में हमने आइडियल गैसेस को कंसिडर करना। अब हम आते हैं अपने पहले लॉ की तरफ, विच इज बॉयल्स लॉ। ये लॉ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, आप लोग ऑलरेडी स्टडी करके इसको आए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में वो चला जाएगा। अब लॉ क्या कहता है? प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल, वाज अ साइंटिस्ट, उसने इसको प्रपोज किया था। अब वो कहता क्या है? वो कहता है जी कि अगर मेरे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस जिसका स्पेसिफिक मास है, मतलब मास उसका फिक्स्ड है, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैंने एक गैस ली से 1 kg या 2 kg और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा, उसका टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं होने दिया, तो जो उसका वॉल्यूम होता है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
inversely proportional to the pressure. कौन सा प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द गैस. ये थे जी इसकी स्टेटमेंट कि किसी भी गैस का गिवन मास का गैस के जिसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया उसका जो वॉल्यूम है वो उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब दो तरह के रिलेशन होते हैं ये आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हुए हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन. Second one is inverse relation. अब direct relation वो होता है कि अगर A और B दो quantities हैं और मैं A को बढ़ाऊं तो B भी बढ़ जाए और A को कम करूं तो B भी कम हो जाए, तो ये कौन सा relation होता है? Direct relation होता है. और अगर A और B दो क्वांटिटीज हैं और मैं A को बढ़ाऊं तो B कम हो जाए और A को कम करूं और B ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ये कौन सा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब एक चीज को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज कम हो और एक चीज को कम करने से अगर दूसरी चीज ज्यादा हो तो क्या उसको कहते हैं? ये कौन सा रिलेशन है? इट इज इनवर्स रिलेशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहां पे हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर विच इज अप्लाइड. इसका क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसको हम 1/1 की शक्ल में लिखते हैं. क्यों? क्योंकि ये भी बात आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं मैथ्स में कि ये 1/1 का मतलब है कि इसको बढ़ाने से इसकी वैल्यू कम होगी और इसको बढ़ाने से इसकी वैल्यू कम होगी. तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं V is directly proportional to 1/P या V is inversely proportional to P. अब जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम चेंज करते हैं इक्वालिटी के अंदर तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. ये बात भी आपने मैट्रिक के मैथ्स में पढ़ी होगी. V is equal to K into 1/P. ये हो गया जी. अब के क्या है? के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है. और पूरा बॉयल्स लॉ तब होल्ड करेगा जो पहली बात हमने की है कि नंबर ऑफ मोल्स एन जो गिवन मास के हैं वो सेम हो, मतलब वो चेंज ना हो रहे हो, और जो टी है टेम्परेचर वो क्या हो? वो कांस्टेंट हो. क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा. जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. तो ये क्या हो गया? V इज इक्वल टू के ओवर पी. अब इसको मैं पी वी इज इक्वल टू के वी लिख सकता हूं. यहां से हम अब अपने बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन डिराइव करेंगे, एक नए तरीके से हम इसको पढ़ेंगे. तो ये हो गया पी वी इज इक्वल टू के. अब यहां से हमें पता क्या लगा? पी वी इज इक्वल टू के. K जो है वो तो कांस्टेंट रहना है, सही है. तो इससे हम नई डेफिनेशन निकाल देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब अगर मैं P और V को मल्टीप्लाई करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह जी. कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर P और V को अगर मैं किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो आएगा इज अ क्या होगा? के के बराबर होगा. के क्या है? कांस्टेंट. तो आंसर विल बी अ कांस्टेंट. प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट. तो यहां से हमने बॉयल्स लॉ की एक नई डेफिनेशन जो है निकाल ली. अब इसका क्या मतलब है? सपोज करें एक गैस थी जिसका प्रेशर पी वन और वॉल्यूम पी वन था, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? के. सही है. ये क्वेश्चन हो गई वन. कुछ देर के बाद मैंने प्रेशर कर दिया चेंज, पी टू हो गया. प्रेशर चेंज करने से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया वी टू, और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर रहेगा के. ये क्वेश्चन टू है. अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं,
कंपेयरिंग वन एंड टू, तो मेरे पास एक और नई जनरल फॉर्म आ जाएगी बॉयल्स लॉ की, विच इज पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, क्योंकि के 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 बराबर है तो ये साइड बराबर होंगी, और दिस इज इक्वल टू पी एन वी एन, मतलब एन कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ऑफ रीडिंग्स अगर आप लें तो ये उसके लिए कॉमन होगा। तो ये हमने यहाँ पे एक नई डेफिनेशन जो थी है निकाली है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये तो था थ्रेटिकल सारा बॉयल्स लॉ का, अब हम चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा होता है या के नहीं होता। आप अपनी बुक में देखें, मैं बुक वाली डायग्राम ही बनाऊंगा। ये आपके पास जो है तीन कंटेनर हैं गैस के, ठीक है जी, ये गैस थी, ये इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ, सही है, हम कहते हैं जी ये एक डेसीमीटर क्यूब गैस थी, इसको हम एक लीटर भी कह लेते हैं, वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन लीटर। मैंने इसके ऊपर जो है ये मैनोमीटर है, इसके ऊपर कुछ वेट रखा, मैनोमीटर मुझे डायरेक्टली जो है प्रेशर दे देगा, ये बेसिकली कॉलम होता है जिसके अंदर हमने इस तरह का, इसके अंदर हमने मरकरी भरी होती है, ये गैस इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, यहाँ से हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ जी कि एक डेसीमीटर क्यूब मेरे पास गैस थी 25 डिग्री सी के ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक वेट रखा और वेट ने जो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो कितना था 280 है। ये एक केस था, केस नंबर वन। केस नंबर टू के ऊपर चलते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इसका जो वेट है इसके ऊपर पड़ा हुआ उसको कर दिया डबल, जब मैं इसको डबल करूंगा तो 280 से हो जाएगा 480, प्रेशर मेरे पास रीडिंग आएगी यहाँ से मैनोमीटर से 480, और इसका जो अब वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, ये 1 डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 उसका हाफ डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। केस नंबर थ्री के अंदर उसी गैस के ऊपर मैंने अब तीन वेट रख दिए, अब तीन वेट रखने से इसका प्रेशर जो सा है वो कितना हो गया है 680, और इसके अंदर जो सा गैस थी उसका अब वॉल्यूम कितना हो गया है, दैट इज 1/3 डेसीमीटर क्यूब। ये तीन केसेस हमने स्टडी कर लिए, किसके प्रेशर, एक ही गैस ली हमने, गैस के ऊपर एक वेट रखा 280 उसका प्रेशर था और 1 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम, फिर हमने चेंज किया उसको, वेट बढ़ाया, प्रेशर बढ़ गया उसका, वो जो है कम हो गया, और इस थर्ड केस के अंदर हमने ट्रिपल कर दिया वेट को, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी ट्रिपल हो गया और उसका वॉल्यूम उसी तरह कम हो गया, और ये सारा का सारा काम किस पे हो रहा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे हम बेसिकली पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इस इक्वेशन को हम वेरीफाई करेंगे। पहले केस के लिए प्रेशर इज 280, वॉल्यूम इज 1, तो के कितना आ गया 2, यहाँ पे आ जाओ पी वी इज इक्वल टू के, इस केस में प्रेशर इज 480 और वी इज 1/2, तो ये जब 2 से कैंसिल आउट होगा तो आंसर इज 2। इस केस में आ जाए पी वी इज इक्वल टू के, प्रेशर इज 6 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 1/3 विच इज इक्वल टू अगेन 2, तो ये वेरीफाई हमने एक्सपेरिमेंटली कर लिया कि सेम टेम्परेचर पे जब हमने प्रेशर को डबल किया तो उसका वॉल्यूम हाफ होता गया, और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू आती थी वो क्या आ गई, हर केस में सेम रही, वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो था इससे हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि वैल्यू ऑफ के विल रिमेन सेम फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ एनी गैस। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया,
बॉयल्स लॉ को। अब हम आगे चल रहे हैं आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। अब हम बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे कि हमने लॉ पढ़ लिया, इक्वेशंस पढ़ ली, वो कहाँ पे यूज किधर होंगी। इक्वेशन की स्टेटमेंट हम देखते हैं, वो कहते हैं जी सबसे पहले लिखते हैं डेटा जो कि हमें गिवन है। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब V1 आपको दे दिया है, वो कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम। इन अ वेसल एट 0 डिग्री सी, टेम्परेचर उसने कहा 0 डिग्री सी है। एंड द प्रेशर इज P1 इज इक्वल टू 2.5 atm। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, कह रहा है जी गैस को हमने एक्सपैंड करने दिया है, उसका प्रेशर हमने कम कर दिया है, एक्सपैंड हो जाएगी। द न्यू प्रेशर इज नाउ P2 इज कितना है 2 atm। वट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, V2 को कह रहा है आपको फाइंड करो, रिक्वायर्ड हमसे क्या है V2। और वो कह रहा है जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी पे मेंटेन किया है। बुक में एक ट्रिकी बात जो है वो कह रहा है जी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन, तो हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सी और 273 केल्विन आर सेम, 0 डिग्री सी 273 केल्विन ही होता है। अब हम चलते हैं अब उसके सॉल्यूशन की तरफ। अभी हमने बॉयल्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे पास P1 मौजूद है, V1 मौजूद है, P2 भी मौजूद है और V2 की वैल्यू हमने निकालनी है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। V2 इज इक्वल टू P1 V1 और ये P2 है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं सब की वैल्यूज पुट करूँ, P1 इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय V1 इज 10 डिवाइडेड बाय P2 इज 2, तो इस सब को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास V2 आ जाएगा 12.5 डेसीमीटर क्यूब। इस तरीके से ये हमने बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन देखी कि ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन से आपने, आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, सेकेंडली आपने एक चीज को चेंज किया तो दूसरी कितनी चेंज होगी वो आपको इस इक्वेशन से पता लग गई। तो ये उसकी कौन सी थी एक्सप्लेनेशन उसकी एप्लीकेशन के, हमारी कैलकुलेशन में हमें जो है ये बॉयल्स लॉ किस तरीके से हेल्प आउट करता है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें था सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट और डिटेल, फिर हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी तीन डिफरेंट केसेस को लेके, और फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हम किस तरीके से बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते। ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, ओके आपको ऑलरेडी पता है ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये एक्स बार नेगेटिव एक्सिस होता है, ये वाई और ये वाई बार। हम नॉर्मली एक्स वाई प्लेन के अंदर अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज के रिलेशन को समझने के लिए। अब दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है ग्राफ बनाते वक्त, और डिपेंडेंट क्वांटिटी को आपने वाई एक्सिस पे लेना है। अभी बॉयल्स लॉ में हमने बात की कि प्रेशर को चेंज करने से क्या चेंज होती है वॉल्यूम, तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट और वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर, तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है। इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे लेंगे और प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है तो इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप वैल्यूज लें और वाई पे डिपेंडेंट की वैल्यू लें तो आपके पास एक ग्राफ बन जाता है। उस ग्राफ से हमें आइडिया हो जाता है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है और ग्राफ हमें बहुत सी चीज़ें बताता है। तो जब भी आपने ग्राफ बनाना है ये चीज़ें याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी। अब इसका ग्राफ हम बॉयल्स लॉ का ग्राफ हम स्टडी करते हैं। वो कहते हैं जी कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ली है गैस की जो कि 0 डिग्री सी के ऊपर मौजूद है, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा।
ये आपके पास ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अभी हमने बात की कि प्रेशर जो के है वो इंडिपेंडेंट है, उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे एटीएम। वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है, तो इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब ये एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन हैं, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। इसकी शक्ल ग्राफ की इस तरह की होगी, जिस तरह की मैंने बनाई है। अब ये चूंकि 0 डिग्री सी के ऊपर है, तो इस ग्राफ का एक नाम है जिसको हम कहते हैं आइसोथर्म। ये बात हम मेरा ख्याल है पहले भी कर चुके हैं। थर्म जब भी कोई चीज आएगी, थर्म से रिलेटेड होगा हीट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, थर्मल एक्सपेंशन। थर्म जब भी आएगा आपके दिन में, पहली और आखिरी चीज जो आनी चाहिए वो क्या होगी? हीट। इसका टेम्परेचर से रिलेटेड है, और आइसो का मतलब होता है सेम। अब आइसोथर्म का क्या मतलब हुआ कि सेम टेम्परेचर के ऊपर हमने ये ग्राफ को बनाया है। तो ये जो ग्राफ बॉयल्स लॉ का बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म जो है आपकी बुक में उसने उसका मीनिंग वगैरह मेंशन किया हुआ। तो जो ये इस तरह का ग्राफ जो है हमारे पास बॉयल्स लॉ का बनेगा। अब यहाँ पे दो ग्राफ को बेसिकली वो कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमने देखना है वो ये है कि अगर एक ग्राफ मैंने बनाया, सपोज किया मैंने एक ग्राफ बनाया बॉयल्स लॉ का, ये था जी 0 डिग्री सी के ऊपर, उसी तरह एक्स एक्सिस पे प्रेशर, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम। अब सेम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, 0 डिग्री से उठा के 25 डिग्री पे ला के 25 डिग्री को फिक्स कर दिया। पहला आइसोथर्म 0 डिग्री सी पे बनाया, उसका ग्राफ ये बन गया। दूसरा मैंने कहा जी अब मैं सारा एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अपने दोबारा करूंगा, जबकि टेम्परेचर को फिक्स कर दूंगा मैं 0 की बजाय अब 25 पे। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का, वो अवे होगा वॉल्यूम से। क्यों क्यों अवे होगा? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड करता है। हमने पहली बेसिक बात इसकी पढ़ के आए हैं हम गैसेस की प्रॉपर्टीज में, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब आप एक ग्राफ को एलिवेटेड टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब बढ़ा के टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे, तो उसका ग्राफ जो है वॉल्यूम के एक्सिस से, वाई एक्सिस से अवे बनेगा। अब सपोज करें मैं अगला बनाता हूँ 25 की बजाय 50 पे, तो वो और भी आगे जाके ऐसे करके बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ग्राफ वो बना रहे हैं, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो ये तो था जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ था। आगे वो कहते हैं जी अब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें किसके किसके दरमियान, 1/v एंड पी के दरमियान। ये क्या है जी एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब वो कहता है कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे मैं 1/v लूं और वाई एक्सिस पे मैं प्रेशर ले लूं, तो मेरे पास जो उनकी है एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब हमेशा याद रखें जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, वो ग्राफ जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन आती है वो शो करती है कि जो दो वैल्यूज जिनके दरमियान ग्राफ बना रहे हैं उनके अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, ग्राफ से भी पता चल रहा है, इधर को वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर को प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये ग्राफ की लाइन स्ट्रेट आ रही है। इस तरफ जाओ प्रेशर और इस तरफ जाओ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। 1/v को बढ़ाया तो पी बढ़ने लगा। तो यही बात वो बता रहा है कि बॉयल्स लॉ के केस में 1/v और पी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ के आए थे कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर हम पूरे 1/v की बात करें तो ये कौन सा प्रेशर होगा, ये डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। अब वो कहते हैं जी ये आपने T1 टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉ किया था। मैं कहता हूँ जी अब मैंने T1 पे तो कर लिया, अब मैं T2 पे करूंगा, और T2 जो है वो बड़ा है किससे, T1 से। वही बात है कि अगर ये वाला T1 जो है ये मैंने 0 डिग्री सी पे परफॉर्म किया था, अब मैं कहता हूँ मैं इसी को किस पे करूंगा, 25 डिग्री सी पे।
तो मेरे पास ग्राफ की शक्ल क्या आएगी, ये जो है ये अब नियरर आएगा, ये इस तरह की ग्राफ की शक्ल आएगी, ये अब प्रेशर एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा। वन ओवर वी और पी का ग्राफ जब मैं बढ़ाए हुए टेम्परेचर के ऊपर ड्रा करूँगा टी टू पे ऊपर, तो वो प्रेशर एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। ये दो तरह के ग्राफ अभी हमने देखे, एक सिंपल पी और वी के दरमियान जो कि इन्वर्स रिलेशन था, ये वाला ग्राफ की शक्ल आ रही थी, और दूसरा हमने देखा वन ओवर वी और पी के दरमियान, इसके दरमियान स्ट्रेट लाइन हमें मिली। अब हम आखिरी जो है बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखेंगे कि वो किस तरह का है। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, एक्स एक्सिस पे प्रेशर और वाई एक्सिस पे अब वो ले रहा है पी वी विच इज इक्वल टू के। अभी हमने बॉयल लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा कि पी वी जब भी मैं मल्टीप्लाई करूं आंसर मेरे पास सेम आएगा, पी वन वी वन हो जाए चाहे पी टू वी टू हो जाए चाहे पी थ्री वी थ्री हो जाए, सबका आंसर के आएगा। सपोज के का आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो प्रेशर जितना भी हो, जितना भी चेंज होता जाए, के की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना इस इक्वेशन के मुताबिक। सपोज करें जी प्रेशर मैंने लिया पहले 5 फिर 10 फिर 15, वॉल्यूम को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हम अपना ग्राफ देख रहे हैं पी और पी वी के दरमियान में है, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से कम होगा, ये बढ़ रहा है तो वो कम होगा, तो जो पी वी इक्वल टू के है इनको मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू जो है वो सेम आएगी। वो सपोज कर लेते हैं हम 10 थी, तो इस केस में भी 10 रहेगी, इस केस में भी 10 रहेगी, ये चीज़ हम अभी पढ़ के हैं, तो के की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पी वी इज इक्वल टू के, और ये क्या होगा जो पी है इसको तुम हमने चेंज करते गए, जो इसकी प्रोडक्ट है पी और वी की वो के, वो तो चेंज नहीं होनी, तो हमारे पास क्या होगा स्ट्रेट लाइन जो सी है वो हमारे पास आ जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन हमारे किस काम की है ये तो हमें पता है, हमने मतलब ये सवाल आप पूछ दिन में आ सकता है कि हमने बॉयल्स लॉ में ये चीज़ वेरीफाई कर ली है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके के आता है, तो हमने ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो तो डेफिनेशन में ही थी। इसको हम रिलेट करते हैं, ये भी ये कंडीशन जो है स्ट्रेट लाइन ये आई है आइडियल के लिए। अब सपोज करें मैंने बॉयल्स लॉ एक कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर के ऊपर चेक किया, तो वो स्ट्रेट लाइन से कुछ ना कुछ डेविएट करेगा, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वो उसको स्टडी करने के लिए फिर हम ये अपने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, और फिर देखते हैं कि जो रियल गैस थी हमारी CO2 ये या कोई भी गैस, ये आइडियल गैस से कितना डेविएट करी है, कितना ऊपर या कितना नीचे। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं इसके लिए हमने ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमें हेल्प आउट करेगा कि हम इसकी एप्लीकेशन देख सकें किसी भी आइडियल गैस पे। तो ये थी आपके बुक में दी हुई डिटेल सारी जिसको हमने स्टडी किया अबाउट बॉयल्स लॉ। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। बॉयल्स लॉ में सबसे पहले हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन, वो क्या होती है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। उसको फिर हमने उससे इक्वेशन बनाई पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, फिर हमने एक्सपेरिमेंटली उसको चेक किया के तीन केसेस लेके कि जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होता गया और पी वी का जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का जो आंसर था वो हर केस के लिए सेम था। फिर हमने एक एग्जांपल सॉल्व की जिसमें तीन चीज़ें हमें गिवन थी, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में से एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। फिर हमने ग्राफ तीन किस्म के स्टडी किए, पहला वाज प्रेशर एंड वॉल्यूम जिसमें हमारे पास इनवर्स रिलेशन का ग्राफ आता था। फिर हमने देखा कि वन ओवर वी और पी के दरमियान किस तरह का ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर एंड वन ओवर वी जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमने लास्ट में ये स्टडी किया कि पी वी को हमने वाई एक्सिस पे और प्रेशर को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई, और स्ट्रेट लाइन को हम जब रिलेट करते हैं अपनी रियल गैस के साथ तो हमें पता चलता है कि बॉयल्स लॉ को कितना फॉलो करती है ये गैस, ये कितना नहीं करती, कितने परसेंट आइडियल है और कितने परसेंट आइडियल नहीं है। तो ये हमारा टोटल था अबाउट बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, उसकी डिटेल भी काफ़ी सारी है, और वो ये दो लॉज जो हैं वो काफ़ी हद तक बेसिक तरीन लॉज हैं गैस के अंदर। तो बॉयल्स लॉ हमने आज स्टडी कर लिया है।